प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड जिले के भूस्खलन से तबाह हुए इलाकों का दौरा किया। चूरनमाला में पीएम मोदी ने एक राहत शिविर का भी दौरा किया, जिसमें बड़े पैमाने पर भूस्खलन में विस्थापित हुए कई लोग रहते हैं। यहां प्रधानमंत्री ने रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत की, जिनमें से दो बच्चे भी शामिल थे जिन्होंने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खो दिया। मोदी कन्नूर हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर द्वारा पहाड़ी जिले में पहुंचे। उन्होंने नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। सुनिए, जब से मैंने इस आपदा के विषय में सुना, तब से मैं लगातार यहां संपर्क में रहा हूं, पल पल की जानकारी भी लेता रहा हूं और केंद्र सरकार के जितने भी अंग हैं, जो भी इस स्थिति में मदद हो सकते हैं उसको तुरंत मोबिलाइज करना, और हम सब मिल करके इस एक भीषण आपदा में हमारे जो परिवारजन इस समस्या में घिरे थे उनकी सहायता करना, ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं। और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। मैं रिलीफ कैंप में भी इन पीड़ित परिवारों से मिला हूं, जिन्होंने एक्चुअली उस समय जो देखा और जो झेला उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुत ही मुसीबत का समय बिता रहे हैं। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एक एमओएस को भी तुरंत यहां भेजा था, चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, एनडीआरएफ के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के जवान हो, स्थानीय मेडिकल के लोग हो या यहां के एनजीओज हो, सेवाभावी संस्थाएं हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास किया। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ हैं।